संगठन की विधायिका लाकेरी की बेटी श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, केशराय पाटन के प्रधान साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री चीता राणा जी, डीआरएम रेल पंकज जी, सभी अधिकारीगण, लाखेरी क्षेत्र के सभी वरिष्ठ नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति नौजवान साथियों, जनप्रतिनिधि साथियों, काफी लंबे समय से लाखेरी स्टेशन का विस्तार और लाखेरी में ट्रेन के ठहराव की मांग हो रही थी। विशेष रूप से जब मैं इंद्रगढ़ दयोदय ट्रेन के ठहराव के समय आया था, तब मुझे जानकारी नहीं थी कि लाखेरी की जनता की मांग भी दयोदय एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराने की है। और जब भी मैं आता था, यहां की जनता कहती थी हमारा केवल एक काम आपसे है, दयोदय ट्रेन को ठहराओ और कोई काम हमारा नहीं। मैंने कहा था कि आप निश्चित हैं, जब ट्रेन के एक ठहराव की आपने मांग की है और इंतजार किया तो एक की जगह दो ट्रेनों का ठहराव दयोदय का ठहराव आपसे शुरू हुआ है। कल आपके यहां से एक और ट्रेन जो कोटा से दिल्ली और दिल्ली से कानपुर चलेगी, पहली बार ट्रेन चल रही है, उसका ठहराव भी लाखेरी किया है। लाखेरी का ये पूरा क्षेत्र जहां वर्षों पुरानी सीमेंट फैक्ट्री है, आसपास का एग्रीकल्चर का बड़ा इलाका है, हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र का व्यापक विकास हो और उस विकास में रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, उसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। दिल्ली मुंबई देखा कि प्लेटफार्म बहुत नीचा था और उससे दुर्घटना होने की बहुत संभावना है। बहुत जल्दी ये प्लेटफार्म अपडेट हो जाएगा और ये प्लेटफार्म नंबर एक भी अगली बार अपडेट हो जाएगा, तो इस कार्यकाल के अंदर दोनों प्लेटफार्म अपडेट हो जाएंगे ताकि कोई उसी के साथ यात्रियों को काफी देर इंतजार करना पड़ता है। इसलिए मैंने डीआरएम साहब को कहा है कि एक बेहतरीन प्रतीक्षालय भी बनाया जाए
ताकि एक आधुनिक रूप से पूरी की पूरी सुविधा यहां पर दी जाए। अरविंद जी कह रहे हैं कि और क्या दोगे, मैंने कहा कि आपकी जो मांग होगी पूरी करेंगे। यहां पर आने वाले समय के अंदर हमने प्रस्ताव भिजवाया है 4.5 करोड़ रुपए का एक इंडोर स्टेडियम भी यहां पर बनेगा और स्टेडियम भव्यता बने उसके लिए जो जो संसाधन की आवश्यकता होगी वो सब संसाधन युक्त किए जाएंगे। और बहुत जल्दी करोगे तो एक 48 करोड़ का आवासीय विद्यालय भी यहां पर बनेगा। गेंडोरी लागिन एक ही बात है, केशव पाटन विधानसभा हम चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां विकास हो, जहां मानवीय दृष्टिकोण से भी सारे क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधाएं मिले, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, इसके लिए आने वाले समय के अंदर हर पंचायत और हर गांव के अंदर हम हर व्यक्ति की स्वास्थ्य जांच कराकर और उसका डिजिटल कार्ड बनाएंगे और जिन भी व्यक्तियों में कुछ भी बीमारी है वह अगर कोटा में होगी तो कोटा में, जयपुर में होगी तो जयपुर में, देश के किसी भी हिस्से के अंदर हर व्यक्ति की स्वास्थ्य की जांच कराएंगे और उसका बेहतरीन इलाज कराएंगे। मेरा मानना रहता है कि जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा जब तक जीवन में कोई काम नहीं कर पाएगा, धन दौलत या सब हो लेकिन अगर क्षेत्र की जनता स्वस्थ न हो तो ये स्टेशन, ये रोड, ये हवाई जहाज कुछ काम आने वाला है। इसलिए इन प्राथमिकताओं को भी हमें बदलना पड़ेगा और इन प्राथमिकताओं के अंदर हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल हो। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं आने वाले समय के अंदर हम सारे क्षेत्र के विद्यालयों को एक स्मार्ट विद्यालय बनाएं ताकि अच्छी शिक्षा और अच्छा संस्कार मिल सके, लोगों के स्वस्थ हो। इसके लिए हर गांव के अंदर हर व्यक्ति का एक बार मेडिकल टेस्ट हो और भविष्य के अंदर उसकी कोई बीमारी हो तो उसका डिजिटल कार्ड हो ताकि वह कहीं भी इलाज करा सके और उसकी पुरानी जांचें वो अगर खो भी जाए तो डिजिटल उसकी पड़ी रहे। आपने मुझे सुनकर भेजा एक और इसीलिए एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि क्षेत्र के लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भी और मानवीय दृष्टिकोण से भी सब सुविधाएं मिलनी चाहिए। आज हमने कुछ कैंप यहां पर आयोजित किया गया लेकिन मैं इस बात से दुखी हूं कि मैं जब गांव में जाता हूं तो कई लोगों को देखता हूं कि वृद्ध होने के कारण
उनको कई परेशानी आती है। मैं चाहूंगा कि एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम हर गांव के अंदर जहां मौलिक सुविधाओं की बात तो करें, लेकिन किस तरीके से हमारे गांव में अच्छी बच्चों को शिक्षा मिले, सब स्वस्थ रहे और कोई बुजुर्ग हो गए और उनको सहायक यंत्र की आवश्यकता है तो सहायक यंत्र का केंद्र भी आज लग रहा है, लेकिन हमें चिन्हित करके उन लोगों को केंद्र तक लाने की आवश्यकता है ताकि उसकी जांच होकर उसको सहायक यंत्र मिल सके। मैं देखता हूं कई गांव के अंदर लोगों को चलने की दिक्कत आती है, कहीं में पढ़ने की चश्मा नहीं है, कहीं की कमर में चोट है, कई लोगों को मोटरबाइक साइकिल की आवश्यकता है, कई लोगों को व्हील चेयर की आवश्यकता है। हमें कोशिशें करना चाहिए कि एक आदर्श स्थिति हमारे गांव की बनाएं और उस आदर्श स्थिति बनाने में आप लोगों को सामूहिकता के साथ काम करना है, क्योंकि मुझे हर गांव में जाने का समय नहीं मिल पा रहा, कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को भी निभाना पड़ता है, लेकिन आप सब लोग मिलकर अगर सामूहिकता के साथ काम करेंगे तो आप निश्चित मानिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। हम चाहते हैं कि ये सारा क्षेत्र एक आदर्श लोकसभा संसदीय क्षेत्र बने जो एक आदर्श मापदंडों पर हो, और आदर्श मापदंड जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के होते हैं वहां मानवीय रूप से भी उनको सब संसाधन मिले इसके लिए भी होते हैं। अभी छोटे छोटे रेलवे स्टेशन भी, चाहे घाट का बराना हो, चाहे कांपरेम हो, चाहे केशवपाटन हो, चाहे इंद्रगढ़ हो, सभी रेलवे स्टेशनों में यात्री सुविधाओं का विस्तार हो। जो इस बार उद्घाटन हुए 4 करोड़ के, उसके अलावा भी जहां जहां भी स्टेशनों पर जो जो आवश्यकता पड़ेगी उन सारी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा ताकि स्टेशनों पर तमाम यात्री सुविधाएं मिल सके। आज आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस टूटी ठंड के अंदर यहां पर बड़ी संख्या में पधारे, आपके उत्साह, आपके जोश, आपकी उमंग, आपकी खुशी को देखकर मुझे भी कार्य करने की नई प्रेरणा मिलती है, नई उत्साह मिलता है। मुझे आशा है आपका ये उत्साह, ये जोश मुझे और कार्य करने की प्रेरणा देगा और हम सामूहिकता के साथ इस सामाजिक और आर्थिक लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सके इसके लिए मिलकर काम करेंगे। किस तरीके से सामाजिक परिवर्तन हो, आर्थिक रूप से भी सब लोग मजबूत हो, इस दिशा के अंदर भी काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।